करें कि इस गर्मी में भी अगर आप नींबू पानी का मजा लेना चाहते हैं तो एक नया तरीका हम आपको बताना चाहते हैं। नींबू को लें, पानी में डुबाएं, थोड़ी देर तक पानी में रहने दें, उसके बाद नींबू को पानी से निकाल लें और स्वादिष्ट। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। जी हाँ, गर्मियों के मौसम में हमने सोचा कि भाई क्यों ना सिकंजी का मज़ा लिया जाए, इसलिए नींबू की दुकान पे पहुंचे और हमने जब यहाँ पे बात की तो पता चला कि नींबू किसी खजाने से कम नहीं है। जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय किसी खजानेकार से इन्हें ऊपर की उपलब्धि यहाँ पर मिली हुई है। तो भाई यहाँ पर बात यह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि गर्मी में घर जाकर सिकंजी पीने की बात अगर आप सोच रहे हैं तो मान लीजिए कि ये आपका सपना यहाँ पर ध्वस्त होने वाला है, क्योंकि नींबू अभी क्या रेट है नींबू का? 800-900 रुपए सैकड़ा बिक रहा है। एक नींबू का दाम यहाँ पर 10 रुपए बता रहे हैं। पहले कैसे बेच रहे थे नींबू? पहले बेच रहे थे 10 रुपए में 2 गो 3 गो 4 गो। तो 10 रुपए में जहाँ पर 4 नींबू बेचे जा रहे थे उस समय यहाँ पर अभी 10 रुपए का एक नींबू बिक रहा है। तो अगर बात करें कि इस गर्मी में भी अगर आप नींबू पानी का मज़ा लेना चाहते हैं तो एक नया तरीका हम आपको बताना चाहते हैं। नींबू को लें, पानी में डुबाएं, थोड़ी देर तक पानी में रहने दें, उसके बाद नींबू को पानी से निकाल लें और स्वादिष्ट। और उसके बाद ये नींबू चाहे तो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, घर वालों के बीच में बांट सकते हैं, क्योंकि जो दाम इस समय नींबू के बढ़ के हो गए हैं उस दाम में संभव नहीं है कि इस नींबू को निचोड़ा जाए। बात करते हैं यहाँ पर भैया से और जानते हैं कि और क्या परेशानी आ रही है। क्या नींबू का बिक्री अभी एकदम घट गया है? नींबू की बिक्री नहीं है, एकदम नहीं हो रहा बिक्री। क्यों नहीं हो रहा? अभी तो जितना सत्तू वाला है, जितना सिकंजी वाला, सब जो आते होंगे लेने आपसे नींबू, सब बंद कर दिया ना? बंद कर दिया ना, आता नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ औरतें भी नींबू खरीद रही हैं। कैसे नींबू खरीदने आ गए, पता है दाम नींबू का इस समय? 20 टका जोड़ा बोल रहे हैं, फिर क्या करिएगा अभी? मंगता 10 टका जोड़ा। 10 टका जोड़ा बोले नहीं हो पाएगा, यहाँ पे दाम ही बढ़ गया है नींबू का। 10 टका जोड़ा ना देना लोग कह रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रूह अफजा और कोल्ड ड्रिंक बेचने की ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके कारण से नींबू के दाम इस कदर बढ़ा दिए गए हैं। जो लोग लगातार शिकंजी का मज़ा, जो लोग लगातार गर्मी में सत्तू का मज़ा लिया करते थे, उन लोगों को कहा जा रहा है कि भाई 10 रुपए में जहाँ आप एक नींबू पे खर्च करोगे वही 10 रुपए आप जो है आसानी से चाहे तो जाकर आप 10 रुपए की फ्रूटी पी सकते हो। तो यहाँ पर ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है और लगातार खबरें ऐसी आ रही है कि कहीं ना कहीं नींबू के दाम को बढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन उन सारी बातों का अगर दरकिनार कर दें तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि इस गर्मी में जहाँ पर लोग घर जाकर लगातार ठंडे शरबत का मज़ा लेते थे, नींबू के इस बढ़ते दामों ने ज़रूर उनके इस मज़े में खलल डाल दिया। और भी लोगों से बात करते हैं, एक और नींबू व्यापारी वहाँ बैठे हैं, उनसे जानते हैं भाई क्या हालचाल है और क्या परेशानियाँ उनको यहाँ पर देखने मिल रही है। तो और नींबू व्यापारी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कब से बढ़ा है नींबू का दाम। नींबू का रेट बढ़ा है होली के टाइम से। होली के टाइम से बढ़ा है, लेकिन अभी जब गर्मी बढ़ी है तो अब लोगों को धीरे धीरे इसका असर जो है दिखाई दे रहा है। क्या कारण लगता है, वो क्या कारण रहा होगा? नींबू तैयार नहीं हुआ तो छोटा नींबू था, खिच्चा नींबू नहीं आ रहा। नींबू की उपज में यहाँ पर दिक्कतें आ रही है। आप बता दें कि व्हाट्सएप पे अफवाहों का जोर जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लोग लगातार आपको भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस आते दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से ये बहुत बड़ी साजिश का नतीजा, एक बहुत बड़ी साजिश रची आ रही है। लेकिन जो भी कहा जाए, ये बात तो तय है कि नींबू के इस बढ़ते दामों ने आपके सत्तू के ठेलों पर, आपके सिकंजियों के ठेलों पर दिखने वाली नींबू की रौनक, जो आप ग्लास पर नींबू को डालकर देखा करते थे, वो जो सजावट आपके सामने रहती थी, वो ना कहीं गायब हो चुकी है। तो चलिए नींबू पानी का मजा लेते हुए हम भी अब आगे बढ़ते हैं और आपको और भी लोगों से मिलवाते हैं। इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पर हमें सत्तू का ठेला दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मौजूद भैया से, जानते हैं कि क्या इनका इस समय बिजनेस चल रहा। भैया हर साल देखते थे ऐसे ग्लास रहता था, इसमें पानी रहता था, इसमें नींबू डूबा हुआ रहता था, इस बार देख रहे हैं कि आपका बड़ा मायूसी छाया ठेले पे। महंगाई है। क्या नींबू का क्या रेट से ला रहे हैं खरीद के? 15-20 रुपया महंगाई है, जोड़ा जोड़ा है। और क्या जो ग्राहक आता है अभी जो कि पीना चाहता है सत्तू, क्या परेशान होता है इस बात से? होता है, कहीं ना कहीं तो नींबू का मांग होता होगा भाई। ऐसे भी अगर हम निकलें बाहर तो गन्ने का रस हो या फिर शिकंजी हो, हर चीज़ में नींबू की मांग यहाँ पर लोगों की ज़्यादा रहती है। बहुत आदमी आता है, बोलता है नींबू नहीं है तो चल, कस्टमर भी घूम जाता है। क्या बात ऐसी भी हो रही है कि जो ग्राहक आते हैं नींबू ना होने के कारण घूम जाते हैं। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं कि जो लोकल बिजनेस है, आइसक्रीम के साथ बात करें शिकंजी और सत्तू का व्यापार गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, लोग इंतज़ार करते हैं गर्मियों का, और कहीं ना कहीं इस व्यापार में भी नुकसान हो रहा है लोगों का, ठेले वालों का नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी अपने रोजी रोटी को चलाने में असफल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जानने वाली बात है कि आखिर इस नींबू के बढ़ते दाम के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, और जो भी कारण है जल्दी से जल्दी दाम दोबारा लौट कराएँ ताकि हम भी घर जाकर शिकंजी का मज़ा
ले सकें। एक्सपीरियंस की तरफ से मैं हूँ राज, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए।